गणेश दिवस सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से नागपुर में पाबंदियां, महानगर पालिका की आम सभा पर संकट, SP के 5 कर्मियों को नोटिस। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड संक्रमण के मद्देनजर राज्य ने जारी किए निर्देश अनुसार नागपुर जिले में भी प्रशासन ने पाबंदियां लागू की है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व ही प्रशासन ने इस संबंध में नोटिस जारी किया था। इसके अनुसार मंगलवार 28 दिसंबर से इस पर अमल किया जाएगा। इसी बीच मंगलवार से होटल, रेस्टोरेंट एवं पिक्चर हॉल रात 12 बजे तक आरंभ रहेंगे। ऐसी जानकारी शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने रात 9 से सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की है। जिला प्रशासन एवं महानगर पालिका ने इस कड़ी में शनिवार को आदेश जारी किए थे। इस आदेश में कहा था कि अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर सभी दुकानें रात 9 बजे बंद कर दी जाएगी। बहरहाल बाद में स्पष्ट किया गया कि दिशा निर्देश 28 दिसंबर से अमल में आएंगे, जबकि निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस बीच शहर पुलिस ने दावा किया कि होटल, रेस्टोरेंट एवं पिक्चर हॉल को रात 12 बजे तक ही अनुमति रहेगी। सोमवार की रात तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि मंगलवार को क्या स्थिति रहेगी। अधिकारियों का कहना था कि पूरे राज्य में निषेधाज्ञा लागू है। इसी बीच पुलिस आयुक्त ने बताया कि 12 बजे तक केवल होटल, रेस्टोरेंट एवं पिक्चर हॉल को अनुमति होगी। उधर नागपुर रेसिडेंशियल होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह रेणु ने कहा था कि शहर में महानगर पालिका द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाएगा। फिलहाल रात 12 बजे तक की अनुमति है। अगली खबर। लगभग 18 महीने के अंतराल के बाद महानगर पालिका की आम सभा का आयोजन परिषदों और अधिकारियों की मौजूदगी में आगामी 31 दिसंबर को प्रत्यक्ष होने वाला है। इसके लिए एजेंडा भी निकाला जा चुका है, पर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी की तरफ से ओमिक्रॉन वेरिएंट के संकट को देखते हुए नई पाबंदियां लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत सदन में अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में प्रत्यक्ष तौर पर आम सभा के आयोजन पर फिर से संकट मंडराने लगा है। मार्च 2020 में कोविड का पहला मरीज नागपुर से मिलते ही आम सभा के आयोजन पर रोक लग गई है। तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे की कार्य प्रणाली को लेकर जून 2020 में विशेष सभा बुलाई गई। अगली खबर। हड़ताल करने वाले कर्मचारी जहां एक ओर अपनी मांग को लेकर अब तक डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ST महामंडल ने भी कार्यवाही का सिलसिला जारी किया है। सोमवार को ST के हड़ताली 5 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये उनके लिए केवल 7 दिनों का अल्टीमेटम है। अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो इन पर भी 7 दिनों के बाद निलंबन की गाज गिरना लगभग तय है। ST महामंडल ने 24 दिसंबर को काम पर नहीं लौटने वाले 16 नियमित कर्मचारियों को निलंबन कर दिया था। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।